लगभग 25,000 बीघे में रोपित हुई धान की फसल सुमेरपुर विकास खंड क्षेत्र की 2 दर्जन ग्राम पंचायतों में इस वर्ष बासमती 11-21 की प्रजाति खुशबू बिखेरेगी। करीब 25,000 बीघे में इस वर्ष किसानों ने धान की रोपाई की है। 5 वर्ष पूर्व पंजाब हरियाणा से आए किसानों ने सूखे बुंदेलखंड में लीज पर खेती लेकर यहाँ के किसानों को धान बोने की राह दिखाई थी। यही किसान पंजाब से बासमती प्रजाति का धान लेकर यहां आए थे। अच्छा उत्पादन देखकर किसानों ने धीरे धीरे धान की खेती का रकबा बढ़ाया और आज सुमेरपुर विकासखंड क्षेत्र की 2 दर्जन पंचायतों में किसान धान की फसल उगाने लगा है। क्षेत्र का टेढ़ा गांव धान उगाने का हब बन गया है। इस वर्ष इस गांव में 5,000 बीघे में बासमती 11-21 की प्रजाति रोपित की गई है। ग्राम प्रधान सौरभ सिंह ने बताया कि इस प्रजाति के धान से किसानों को अच्छा खासा मुनाफा होता है। पंजाब हरियाणा से व्यापारी आकर सीधे किसानों का धान खरीद लेते हैं, इससे किसानों को बाजार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने बताया कि 5 वर्ष पूर्व पंजाब से आए किसानों ने यहां लीज पर खेती लेकर धान रोपित किया था। बाद में टेढ़ा सहित आसपास के गांवों में धान का उत्पादन होने लगा। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ सिंह है जी। तो आप यहाँ के किसान हैं और आप के लिए मैंने सुना है कि आप धान में जो है अच्छी दिलचस्पी रखते हैं। नहीं, धान हमारे यहाँ 2-3 साल से हो रहा है और इस धान की शुरुआत जो है हमारे गांव के हमारे बड़े भाई राम किशोर सिंह जी हैं जी। उन्होंने नींव डाली थी इसकी जी, और उनकी नींव को देखते ही देखते पूरा गांव इसको कर रहा है और इसके साथ साथ में पूरा क्षेत्र हमारा जी आज जो है धान बासमती 11-21 जो है बो रहा है जी। और जब से हम लोगों ने धान बोया तो हम लोग जो 15-15 साल में कर्ज नहीं भर पाए जी, वो हमने वो 3 साल में कर लिया जो हम लोग 15-20 साल में नहीं कर पाए। इसलिए जो है ये बहुत अच्छी नींव जो है डाली उन्होंने, इससे पूरा गांव आज जो है हमारा जो है खुश है और पूरा क्षेत्र जो है अपने जो है कर्जे से मुक्त होगा। बाकी ये योजनाओं से कभी मुक्त ना हो पाता जी, लेकिन इस स्वयं की मेहनत से जो है आज वो जो है धीरे धीरे प्रोन्नति की ओर अग्रसर है और बहुत ही अच्छा है जो है। हम लोग 2 फसलें लेने लगे, एक फसल होती थी उसी में बच्चों को पढ़ाना था, उसी में मकान घर खर्च वो खेती का खर्च पूरा होता था जी, जिससे कुछ हो नहीं पाता था जी। अब कम से कम 2 फसलें होती हैं, एक फसल से खर्च निकल जाता है, एक फसल से कुछ आय हो जाती है जी, जिससे कि आज हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं जी। तो इसमें आप जैसे धान की फसल पैदा करते हैं तो इसको बेचने के लिए कैसे क्या आप करते हैं? जो धान की फसल हम लोग पैदा करते हैं तो यहाँ पर इसका बाजार नहीं है, सबसे मुख्य कारण समस्याएं ये हैं जी। लेकिन फिर भी वहाँ से व्यापारी लोग आते हैं जी और यहाँ से हमारा धान जो है वो खरीद ले जाते हैं जी। अगर यहाँ पर इसका बाजार हो जाए जी तो और अच्छे रेट मिले जी, लेकिन बाजार ना होने के कारण जी कुछ अपना सस्ता भी बिक जाता है, लेकिन बिक जाता है यहाँ। और खाद और दवाएं आपको यहाँ समय पर उपलब्ध हो जाती हैं? खाद और दवाएं सब समय से उपलब्ध हो जाती हैं जी। और जो धान हम लोगों ने बोया है जी, इससे जो एक ये भी तथ्य हम लोग देखते हैं कि अगर पानी की समस्या ना पैदा हो जी तो हम लोगों ने सबों ने अपने अपने खेतों में मेड़बंदी बनाई है जी। और माननीय विधायक जी थे अशोक चंदेल जी, उनके द्वारा ये हमारा जो बहुत बड़ी मेड़बंदी है बंदी नंबर 1, बंदी नंबर 2 जी ये स्वीकृत करा दी गई थी जो आज पर